हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत। चैप्टर उसका फोर्थ स्टेंजा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेंजा रीड करेंगे, उसके बाद उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जानेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। ब्रीथ, ठीक है। क्या यह चीजें मरे हुए व्यक्ति की सांसों को वापस ला सकती हैं? कैन ऑनर्स वॉइस प्रवोक्स द साइलेंट डस्ट। क्या हम इनकी तारीफ कर दें? ऑनर्स मीन्स गर्व, यानी कि तारीफ कर दें। प्रवोक मीन्स भड़काना, द साइलेंट डस्ट। क्या हम इनकी तारीफ कर दें जिससे कि इनकी जो मिट्टी है, इनकी जो डस्ट है, वो क्या हो जाए, उठ जाए या भड़क जाए। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। क्या कोई फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, क्या कोई चापलूसी की जाए जिससे इनके जो ठंडे मिट्टी के कान हैं वो मृत्यु से उठ जाएं, ठीक है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। दिस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी फेमस, यह स्टैंजा लिया गया है फेमस प्रसिद्ध एलोजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। पेंड बाई थॉमस ग्रे, जिसको किसने रेड ऑथराइज किया है, किसने लिखा है, थॉमस ग्रे ने, ठीक है। द पोयम वॉज विगन इन 1742। पोयम कब शुरू होती है, 1742 में, इन द चर्च यार्ड, कब्रिस्तान में, ऑफ स्टोक पोक्स। स्टोक पोक्स का जो कब्रिस्तान है, वहां से इस पोयम की, इस कहानी की शुरुआत होती है। वेयर, जहां ग्रेस मदर रिसाइडेड, जहां ग्रे की मदर को दफनाया गया, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनकी पिता के मृत्यु के बाद। इट इज द बेस्ट पोयम एवर रिटन बाई ग्रे, यह सबसे बेस्ट पोयम थी, सबसे अच्छी पुस्तक थी जो ग्रे द्वारा लिखी गई है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट एलोजी, यह बहुत महान, बहुत अच्छी एलोजी में लिखी हुई पोयम्स में से एक है, जो किस में लिखी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज में। यह बहुत सारी अच्छी जो एलुजीज हैं उनमें से एक है, ठीक है। ग्रे हैज सन ऑफ द पुअर, ग्रेन जो है वो किसकी तरफ से गा रहा है, पुअर की तरफ से गा रहा है। निग्लेक्टेड और क्या कर दिया जाता है, उसको नकार दिया जाता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। हम्बल फॉग ऑफ द कंट्री साइड, हम्बल फॉग ऑफ द कंट्री साइड, क्योंकि वो दया दिखाता है किस पर, कंट्री साइड, ग्रामीण लोगों के, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर, ठीक है। इन दिस स्टैंजा द
पोएट आस्क्स अ क्वेश्चन। इस स्टैंजा में पोएट जो है वो एक क्वेश्चन पूछता है टू हाई अप्स ऑफ सोसाइटी, जो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे परिवार हैं सोसाइटी के, वेदर ऑल देयर फ्लैटरी इज ऑफ एनी यूज फॉर द डेड, क्या मृत्यु के लिए ये जो चापलूसी करते हैं वो किसी भी तरीके से लाभदायक है उनके लिए। इन द प्रीवियस स्टैंजा, पिछले स्टैंजा में जो थर्ड स्टैंजा हमने पढ़ा था, आल्सो द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल द मॉन्यूमेंट्स बिल्ट इन द ऑनर ऑफ द डेड। जो हमारा पिछला स्टैंजा था उसमें भी पोएट ने बात की थी निरर्थकता, फ्यूटिलिटी मीन्स होता है निरर्थकता किसकी, ऑल द मॉन्यूमेंट्स जो भी स्मारक बने हुए हैं इन द ऑनर ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों के सम्मान में जो भी स्मारक बने हुए हैं उसके ऊपर पहले ही उसकी निरर्थकता के ऊपर पहले ही किसने, पोएट ने बात की है थर्ड स्टैंजा में। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। द पोएट पुट्स अ क्वेश्चन, पोएट एक प्रश्न पूछता है टू द हाई क्लास पीपल, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे, ऑफ सोसाइटी समाज के, एंड आस्क्स अबाउट और पूछता है अबाउट द यूज ऑफ ऑल द स्टोरीड अंश, और पूछता है किसके बारे में, जो ऊंचे ऊंचे कलश हैं उनके बारे में। कलश क्या होता है, जिसमें वो अस्थियां रखी जाती हैं, तो जो बड़े कलश बनवाते हैं हड्डियां अस्थियां तो सेम ही होती है ना, मिट्टी ही होती है उसमें, लेकिन वो अच्छे बनवाते हैं, ऊंचे कलश बनवाते हैं जो अमीर लोग होते हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है। लाइफ लाइक स्टैचूज, और उनकी जो लाइफ, उनके जीवन पर या उनकी कब्र पर जो स्टैचूज बने होते हैं। ग्रे मीन्स, ग्रे का कहने का मतलब है कि दैट द अंश कंटेनिंग, वो जो अंश कलश होता है कंटेनिंग, उसमें होता है कलेक्शन होता है वो किसका, बोन्स ऑफ द डेड, जो मृत व्यक्ति होता है उसकी हड्डियों का क्या होता है, कंटेनिंग होता है, ठीक है, कलेक्शन होता है। एंड द लाइफ लाइक स्टैचूज, और जो उनकी, उनके ऊपर प्रतिमा, उनकी कब्र पर जो प्रतिमा बनवाई जाती है, स्टैचूज बनवाए जाते हैं, बुल्ट इन द मेमोरी ऑफ द डेड, जो उनकी याद में बनवाए जाते हैं, मृत लोगों की याद में, आर टोटली ऑफ नो यूज, उनका पूर्ण रूप से कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है। द मैन Who is dead? व्यक्ति जो मर चुका है and gone, जा चुका है, cannot come back to life, वो अब दोबारा वापस जिंदगी में नहीं आएगा। The breath that has gone away, सांसें जो जा चुकी हैं from human body, मानव के शरीर से, cannot come back to it, वो इसमें वापस नहीं आएंगी। एंड द मैन हु इज, और जो व्यक्ति डेड मर चुका है, कैन नेवर बी अलाइव, वो कभी भी जीवित नहीं हो सकता, हेंस इसीलिए इट इज टोटली वेन, यह पूर्ण रूप से व्यर्थ है ऑन द पार्ट ऑफ मैन टू फील प्राउड ऑन दीज ग्राउंड्स, यानी कि वो कहना चाह रहा है इसीलिए ये जो कार्य आप कर रहे हैं, स्मारक बनवा रहे हैं और बड़े बड़े कलश बनवा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से व्यर्थ हैं, क्योंकि कोई भी इसको फील नहीं कर सकता, ना तो वो जीवित हो सकता है इससे, ना ही वो उसे देख सकता है, ना ही उसकी सांसें वापस आ सकती हैं। और कह रहा है इट इज टोटली वेन ऑन द पार्ट ऑफ मैन टू फील प्राउड ऑन दीज ग्राउंड्स, और यह पूर्ण रूप से बेकार चीज़ है, व्यर्थ है,
जो व्यक्ति इनके ऊपर इस ग्राउंड पर भी गर्व करता है, घमंड करता है। इन द सेम वे ऑल द सॉन्ग्स, इसी तरह ऑल द सॉन्ग्स, सभी प्रकार के सॉन्ग्स संग इन प्रेज ऑफ द डेड, जो मृत लोगों की प्रशंसा में गाए जाते हैं, आर मीनिंगलेस, उनका कोई भी अर्थ नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ईयर्स ऑफ डेथ, जो ईयर्स ऑफ डेथ हैं, मृत व्यक्ति के जो कान हैं, आर डल एंड कोल्ड, ठंडे पड़ चुके हैं और मिट्टी के हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। नो फ्लैटरी, किसी भी तरह की चापलूसी, कैन सूद दीज ईयर्स, इन्हें शांति प्रदान नहीं कर सकती। द पोएट इज मैंशनिंग, पोएट यह बताना चाह रहा है, ऑल दीज थिंग्स, यह सभी चीजें, टू शो दैट, यह दिखाता है कि इफ द पुअर आर नॉट इन ए पोजिशन टू डू ऑल दिस, अगर जो गरीब लोग हैं वो यह सब करने की स्थिति में नहीं हैं, इन द मेमोरी ऑफ देयर डैड वंस, जो उनके मृतकों की याद में करने के लिए इस स्थिति में नहीं है कि वो स्मारक बनवा पाए उनके ऊपर, उनकी प्रशंसा में गीत गाए जाएं, दे शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, उनको गिरी हुई नजरों से नहीं देखना चाहिए। द पोएट, कवि, ऑन द वन हैंड इज सिंपैथिंग विद द पुअर, एक हाथ से वह, एक प्रकार से या एक हाथ से वह सिंपथिजिंग, सहानुभूति दिखाता है, सहानुभूति देता है, साथ है किसके, विद द पुअर, गरीबों के, एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो है, गिव्स अ शॉर्ट ऑफ वार्निंग, वह एक छोटी सी चेतावनी देता है। टू दी प्रिविलिज्ड एंड द प्राउड, प्रिविलिज्ड मीन्स होता है जो विशेष अधिकार वाले व्यक्ति होते हैं, जो उच्च वर्ग के होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, तो जो विशेषाधिकार वाले जो व्यक्ति हैं, एंड द प्राउड एंड द रिच पीपल ऑफ सोसाइटी, और जो महान और बड़े लोग, अमीर लोग हैं सोसाइटी के, उनके लिए चेतावनी दे रहा है। एक तरफ वो गरीबों को सहानुभूति देता है, उनके लिए सिंपथी रखता है, और दूसरी तरफ अमीरों को, जो उन्हें घमंड है अपने ऊपर, अपने विशेषाधिकारों का, उनको चेतावनी देता है छोटी सी। ठीक है, कमेंट्स, अब हम कमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हियर, यहाँ वी सी आर ट्रू ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, वी सी आर ट्रू ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, वी सी आर ट्रू ह्यूमैनिटेरियन नोट, हम यहाँ पर एक सच्ची मानवता का एक विचार देखते हैं, नोट देखते हैं। ग्रेज क्वेश्चनिंग द प्रिविलेज्ड पीपल, जो ग्रे है वो प्रश्न पूछ रहा है, प्रिविलेज्ड जो पीपल हैं उनसे, जो विशेषाधिकार वाले लोग हैं उनसे, ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के, इज इनडायरेक्टली एडवोकेटिंग, वो वकालत कर रहा है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, द केस ऑफ द पुअर इन ए स्ट्रॉन्ग मैनर, गरीबों के केस का अप्रत्यक्ष रूप से स्ट्रॉन्ग मैनर में। ठीक है, दिस ह्यूमैनिज्म एसोसिएट हिम विद द रोमांटिक पोएट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, यह जो मानवता है वो उसका समर्थन करती है, विद द रोमांटिक पोएट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, इसीलिए यह वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स है 19th सेंचुरी का। ठीक है, दूसरा है, हाउ एवर ग्रे वॉज नॉट प्योर एंड प्रू प्योर सॉरी हाउ एवर ग्रे वॉज नॉट प्योर एंड प्योर आर रोमांटिक, ग्रे वॉज भले ही, हाउ एवर मीन्स भले ही जो ग्रे है वो पूर्ण रूप से रोमांटिक नहीं था,
ही वॉज, क्योंकि उसने क्या लिखा है, एलुजी लिखा है, इमोशन पर, शोक पर लिखा है, वो रोमांटिक नहीं था। ट्रांजिशनल पोएट, वह कैसा था, संक्रमणकालीन पोएट था। सो वी फाइंड क्लासिकल टचेस, इसीलिए हम क्लासिकल टचेस फाइंड करते हैं आल्सो इन हिज पोएट्री, उसकी पोएट्री में। इन दिस स्टेंजा द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन लाइक, इस स्टेंजा में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन लाइक कहां पर किया गया है। ऑनर एंड फ्लैटरी ब्रिंग्स हिम विद द क्लासिकल पोएट्स, यानी कि जो ऑनर है, गर्व है, और फ्लैटरी जो चापलूसी है, ब्रिंग्स हिम, उनको लाती है क्लासिकल पोएट्स के रूप में। द पोएम इज रिगार्डेड एज अ टिपिकल पीस इन इंग्लिश वर्स, जो पोयम है इसको रिगार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है एज अ टिपिकल पीस इन इंग्लिश। टिपिकल पीस है ये इंग्लिश का, और पोयम ऑफ पोयम्स, ये पोयम की, हमारे पोयम्स की पोयम है। द पोयम इज रिटन इन अ परफेक्ट टेन सिलेबिक फोर लाइन स्टेंजा अल्टरनेट राइम, जो पोयम है वो परफेक्ट टेन सिलेबिक फोर लाइन स्टेंजा में लिखी हुई है, फोर स्टेंजा है इसमें, और अल्टरनेट राइम है। अल्टरनेट राइम मीन्स वन का थ्री से और टू का फोर से राइम मिलेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन का जो लास्ट है वर्ड, उसका प्रोनाशिएशन हम पढ़ेंगे तो मॉर्न है, और जो थर्ड वाला है उसका हॉर्न है। सेकंड वाला देखेंगे तो शेड है, और फोर्थ वाला देखेंगे तो बैड है, ठीक है। पांचवा है, द पोयम इज रिमार्केबल फॉर इट्स एब्सोल्यूट परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज, पोयम जो है वो उल्लेखनीय है किसके लिए, इसके परफेक्शन के लिए, लैंग्वेज का, भाषा का जो है सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। थैंक यू, आज हमने